कांग्रेस के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती लेफ्ट फ्रंट है, एलडीएफ। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए एक दूसरी चुनौती के तौर पर है। बीते 8 साल से राज्य में सत्ता जो है वो एलडीएफ के पास है। भारतीय जनता पार्टी एक उभरते हुए दल के तौर पर है। तकरीबन 15% के आसपास भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 2019 में रहा था। केरल भारत की राजनीति में अहम इसलिए है क्योंकि वहां से चुने गए सांसद कांग्रेस को काफी मजबूती पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से इस बार कांग्रेस अपना पूरा दमखम लगाए हुए है। एलडीएफ के राज्य में शासन होने की वजह से कांग्रेस को ऐसा लगता है कि यूडीएफ को फायदा होने वाला है, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस का संगठन केरल में बीते 5 सालों में पहले के मुकाबले काफी कमजोर हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जो वायनाड से अपनी उम्मीदवारी लेकर केरल में खड़े हैं, इसकी वजह से कांग्रेस के लिए केरल जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वायनाड और केरल में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिलती है तो इसके जरिए पश्चिम बंगाल में भी और अमेठी का रास्ता भी खुलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए कांग्रेस यहां पर अपने पूरे दमखम से मैदान में है। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं, एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन यह सिर्फ केरल में नहीं, पश्चिम बंगाल में साबित है। केरल में एक दूसरे के खिलाफ मौजूद है और एक दूसरे पर जबरदस्त हमला भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो कई मौकों पर कहा कि केरल के मुख्यमंत्री को कांग्रेस के ऊपर आक्षेप करने के बजाय बीजेपी पर आक्षेप करना चाहिए। लेकिन वहां परिस्थितियां काफी अनुकूल अभी नहीं दिखाई दे रही लेफ्ट फ्रंट के लिए और कांग्रेस को यहां बहुत उम्मीदें दिख रही हैं। लेफ्ट गठबंधन के सामने चुनौतियां क्या क्या है? सीपीआई और सीपीआईएम मिलकर 90% सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, जिससे गठबंधन में शामिल छोटे दलों को बहुत कम जगह मिल पाती है। 2016 से केरल में एलडीएफ यानी कि लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी काफी हावी है। केरल में महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन का मामला बढ़ता चला जा रहा है और यह एलडीएफ सरकार पर काफी हावी है। वहां की राज्य सरकार पर कैंपस में हिंसा, लोगों पर हिंसा और हिंसात्मक लड़ाइयों को लेकर भी काफी आरोप लगते रहे।